हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z61 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है पावर बटन एंड कॉल सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। और ये पावर बटन एंड कॉल सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करिए और आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी पर आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये पावर बटन एंड कॉल का, इसके ठीक सामने जो बटन दे रखा है इसे सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका इनेबल हो जाएगा ब्लू कलर में, ठीक है। ये सेटिंग इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा, ठीक है, उस कॉल को अगर आप रिसीव कर लेंगे, रिसीव करने के बाद अगर आपको कॉल को कट करना है यानी कि डिस्कनेक्ट करना है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के पावर बटन को एक बार दबाएंगे तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि कॉल कट हो जाएगी, ठीक है, पावर बटन एक बार दबाएंगे तो ये सेटिंग जो ना इनेबल करने के बाद आप अपने पावर बटन से भी कॉल को कट कर पाएंगे। और जो साथ में आपके डिस्प्ले के ऊपर रेड बटन होता है उससे तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये सेटिंग इनेबल करने के बाद आप पावर बटन से भी कट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है इनेबल होने के बाद आपके लावा Z61 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको जो है ये पावर बटन एंड कॉल सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सर्च सेटिंग पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है पावर बटन एंड कॉल, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये पावर बटन एंड कॉल का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा ना, तो इसे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए इसे, तो इससे होगा क्या, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा इस तरीके से, जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन इस सेटिंग को हाईलाइट कर रहा है। तो ये आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।